को नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम जावेद शर्मा और जैसे कि आप लोगों को पता है कि WWDC का कीनोट जो है अभी भी खत्म हुआ है और उन लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो है वो अनाउंस करें, आईपैड ओएस, वॉच टीवी ओएस, दुनिया भर के जो उनके सारे के सारे लाइनअप था उन सबके जो है अपडेट्स जो है वो आ चुके हैं। लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ iOS 14 के बारे में, क्योंकि मेरे पास अभी जो है 11 प्रो और इसके अंदर जो है मैंने डेवलपर बीटा जो है वो डाल दिया है iOS 14 का और वाकई में काफ़ी ज़्यादा नया एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सारी वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं सारी वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। और सबसे पहले बात करूं कि आपको ये वाला अपडेट जो है वो डाउनलोड कैसे करना है, तो फिर आपको जो है बीटा प्रोफाइल जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी डेवलपर बीटास की और फिर उसको जो है प्रोफाइल को एक बार आप जाके सेट कर दोगे सेटिंग्स में जाके, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट जो है बता देगा सिस्टम अपडेट के अंदर जाके कि आपका जो है iOS 14 का डेवलपर बीटा का जो है अपडेट आ चुका है। तो अपडेट की बात खत्म करता हूँ, मैंने जो है अपडेट कर लिया था कल ही रात को और अब जो है मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम लाइकिंग द एक्सपीरियंस वेरी मच। बाकी में काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं इस वाले अपडेट के अंदर। आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो देखने को मिलती है वो है इसकी होम स्क्रीन। आप चाहो तो अपनी होम स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। अब जो है इन लोगों ने विजिट जो है वो ऐड कर दिया, तो मुझे कोई सा भी विजिट जो है वो उठा के यहाँ पे मैं ला सकता हूँ होम स्क्रीन के अंदर और उसको जो है प्लेसअप कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। और साथ ही साथ मैं जो हूँ पेजेस भी हाइड कर सकता हूँ, तो मुझे बस टैप करके रखना है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पेज वाली मेन्यू जो है अगर मैं इसको टैप करके रखूँ तो फिर यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा पेजेस जो है वो हाइड कर रखे हैं। मैं उनको चाहूँ दिखा सकता हूँ, चाहूँ तो हटा सकता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सारे के सारे पेजेस जो है वो हटा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा और उसको भी भले से आप पूरे पर विजिट से भर दो या सिर्फ एक ऐप से भर दो, तो आप इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक जो है वो दे सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पहली बार हो रहा है आईफोन के अंदर कि आप इतने ज़्यादा लेवल्स के ऊपर अपने फ़ोन को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब कि एंड्रॉइड में होता हुआ आया है लेकिन iOS के अंदर जो है वो पहली बार ही हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको ऐप लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है, यहाँ से आपको कोई सा भी ऐप जो है वो सर्च कर सकते हो, जो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये लोग ये जो है अपने ऐप्स को जो है कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर सोशल वाले ऐप्स जो है भर रखे हैं, प्रोडक्टिविटी के अंदर प्रोडक्टिविटी वाले ऐप्स जो भर रखे हैं। आप चाहो तो उनको डायरेक्ट एसेस कर सकते हो जो कि रिसेंटली यूज होते हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप इसमें साफ साफ सामने पटक रखा है, मैं जैसे उसे टैप करूँगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप जो है वो खुल जाएगा। लेकिन जो कुछ ऐप्स जो मैं रेगुलर पर्पज पर यूज़ नहीं करता वो सारे सारे यहाँ कोने में छुपा रखे हैं, तो इसको टैप करूँगा तो सारे के सारे प्रोडक्टिविटी के दुनिया भर के ऐप्स जो हैं वो खुल जाएंगे। और अगर कोई मुझे ऐप सामने सामने दिखता भी नहीं है तो फिर मैं उसको साफ साफ सर्च भी कर सकता हूँ, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐप लाइब्रेरी एक तरीके से ऐप ड्रॉअर ही है एप्पल की तरफ से, जो कि एंड्रॉइड के अंदर अपने काफ़ी टाइम से देख लिया था और अब जो है iOS के अंदर आ रहा है। मैं बात करूँ नए वॉलपेपर्स की, तो फिर नए वॉलपेपर्स भी जो है वो आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार और डायनेमिक वॉलपेपर्स हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट डार्क मोड के अंदर ये नॉच को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो हाइड करते हैं एंड लाइट मोड के अंदर नॉच जो है वो साफ साफ दिखती है। तो ये है डार्क मोड और नाइट मोड के वॉलपेपर्स। साथ साथ बात करूँ आईफोन की UI की, तो अक्सर जब भी कोई कॉल वगैरह करता था तो कॉलिंग मेन्यू जो है वो पूरी की पूरी आ जाती थी, पूरी पूरी स्क्रीन जो है ब्लॉक कर देती थी। तो आपको अगर किसी की कॉल इग्नोर करनी पड़ती थी तो फिर आपको ऐसे पकड़ के बैठा रहना पड़ता था फोन और उसकी कॉल का खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब जो है वो UI काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही ऊपर आती है और आप सारे सारे काम जो है वो कर सकते हो और ऊपर कॉल वगैरह को इग्नोर कर सकते हो, और अगर एक्सेप्ट करनी है तो फिर आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर बात करूँ कैमरा की, तो फिर जब भी आप कैमरा वगैरह खोलते हो या फिर कोई सा भी ऐप खोलते हो जो कि आपके कैमरा का यूज़ करता है, तो फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जो है बनी हुई आ जाती है और ये ग्रीन कलर की लाइट जो है वो डिनोट करती है कि आपका जो फ़ोन का कोई भी जो ऐप है वो जो है वो कैमरा को जो है वो एसेस कर रहा है। तो अक्सर आप इंस्टाग्राम वगैरह भी खोलोगे तो भी अगर आप कैमरे में जैसे ही जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन लाइट वगैरह जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, प्राइवेसी फीचर है, अगर कोई ऐप आपको बिना बताए कैमरे का यूज़ कर रहा होगा तो आपका फ़ोन जो है वो आपको बता देगा। साथ ही साथ नाइट मोड की बात करूँ तो फिर अक्सर जो है अपन फ़ोन को स्टेबल नहीं रख पाते क्योंकि अपने हाथ से पकड़ रखा होता है, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो जायरोस्कोप का फीचर जो है वो आता है जो कि आपको बता देगा कि आपने अपना फ़ोन जो है वो स्टेबल तरीके से नहीं पकड़ रखा है। बाप रे बाप, ये कैसे फोटो खींची है मैंने। आपको जो है मैसेजेस के अंदर जो है वो इमोजी सर्च का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। पहले आपको जब टाइप करते थे तो फिर इमोजी जो है वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाती थी, लेकिन अब इसके अंदर जो है आप सर्च भी कर सकते हो इमोजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब कि एंड्रॉइड के अंदर ये वाला फीचर जो है वो ऑलरेडी था लेकिन अब जो है वो iOS के अंदर भी आ चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नए स्टिकर्स भी आ चुके हैं, यहाँ पर आपको 3 नए स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, एक ही हाथ वाला, एक ही मुक्का मारते हुए और एक मुँह पर हाथ रखने वाला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मास्क भी जो है वो आ चुका है अब, इधर से एक तरीके से रनिंग चीज़ है जो कि चल रही है, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। अब मैं बात करूँ विजिट्स की, तो विजिट्स जो है आप होम स्क्रीन पे लगा सकते हो जैसे कि मैंने बताया एंड्रॉइड की तरह ही, और वाकई में काफ़ी ज़्यादा
शानदार तरीके से आपको विजेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आपको बस यहाँ पर प्लस का आइकन दबाना पड़ता है और सारे सारे विजेट्स जो है वो खुल जाएंगे और आप विजेट्स को एक दूसरे के ऊपर भी जो है वो स्टैक कर सकते हो। हर एक विजेट जो है वो तीन साइजेस के अंदर आता है और अभी सिर्फ स्टॉक iOS के ऐप्स भी जो है जो विजेट्स को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो है लगभग सारे के सारे ऐप्स जो है वो विजेट्स ऑफर करेंगे और आप विजेट्स को जो है वो स्टैक भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक विजेट्स के ऊपर दूसरा विजेट लगाना है तो फिर विजेट की स्टैकिंग भी कर सकते हो। आपको इसको टैप करके जो है उस वाले विजेट के ऊपर ड्रॉ करना है और फिर दो विजेट्स एक ही विजेट के अंदर आ जाएंगे और आप उसको स्वाइप करके चेंज कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड टू बी ऑनेस्ट ये हर एक चीज़ के अंदर काम करता है। जैसे कि मैंने अपनी होम स्क्रीन पर लगभग सारे सारे विजेट जो है वो लगा रखे हैं, मेन मेन जो भी जरूरत है और सारे के सारे मेरी बैटरी वगैरह के और मेरे वेदर वगैरह के विजेट्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो होम स्क्रीन वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक देती है और मैं उसको जब चाहे तब जो है वो चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। साथ साथ अब एसेसिबिलिटी के अंदर जाके टच के अंदर जाके अगर आप बैक टैप पे क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो बैक टैपिंग को और आप सीधी शॉर्टकट के अंदर जाके लगभग जो है हर एक चीज़ जो है वो सेट कर सकते हो कि आपका कैमरा खोलना है। और जैसे ही आप दो बार टैप करोगे तो फिर मैंने उसको स्क्रीन शॉट पर सेव कर रखा है, कोई सारे बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पीछे की तरफ दो बार टैप करना है और स्क्रीन शॉट जो है वो खिंच जाएगा। यहाँ पे आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड भी जो है वो देखने को मिलता है जो कि अपने को एंड्रॉइड में काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो देखने को मिला था। हालांकि सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वगैरह पे काम करता है, यूट्यूब पे काम नहीं करता है। जस्ट डोंट नो व्हाई कि इंडिया के अंदर यूट्यूब जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और जैसे ही आपकी कोई सी वीडियो वगैरह चलना स्टार्ट होती है और आप ऐसे बैक कर दो तो फिर वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी और आप चाहो तो उसको रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से और चाहो तो उसको साइड भी कर सकते हो और अपना काम वाम पर ध्यान दे सकते हो। वो चलता रहेगा लगातार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आवाज़ जो है वो आ रही है और जैसे ही आपका काम वाम खत्म हो गया तो फिर आप उसको वापस से देखना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैसेजेस के अंदर चैट्स को भी जो है आप पिन कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिन करने से सारी सारी चैट्स जो है वो ऊपर ही ऊपर आएंगी और आपको चैट्स जो है वो सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे इन लाइन रिप्लाइज भी जो है वो आ चुके हैं तो फिर ऑटोमेटिकली मैसेजिंग ऐप को जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया है। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर के अंदर भी जो है वो ऐप क्लिक देखने को मिलता है जो कि तरीके से कार्ड की तरह जो है वो आ जाता है। तो अपेरेंटली वो सारी सारी चीज़ें इंडिया के अंदर अभी इतनी ज़्यादा सही तरीके से नहीं देखेंगी, ऑप्टिमाइज नहीं होंगी और काफ़ी लंबे टाइम के अंदर ही अपने को वो सब जो है इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैप्स के अंदर ईवी राउटिंग, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इंडिया के अंदर चलना स्टार्ट भी नहीं हुए अच्छी तरीके से, तो ईवी राउटिंग तो बहुत दूर का फीचर एक तरीके से इंडिया के लिए। हालांकि बात करूँ सीरी की तो सीरी का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नीचे ही यूआई बनी हुई आती है, लेकिन जब ये वाली यूआई बनी हुई आती है तो फिर आप कोई सा भी काम जो है वो नहीं कर सकते, तो अपेरेंटली वो चीज़ जो है बेकार है। लेकिन आपकी सीरी जो है आपको बता देगी आप जो भी जो है वो सर्च करोगे। काफ़ी शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जो है बना हुआ आ जाता है और तो पूरी पूरी स्क्रीन जो है वो घेरता नहीं है, तो अपेरेंटली ये काफ़ी सही चीज़ है। तो मुझे पता है काफ़ी चीज़ें जो है आपको एंड्रॉइड के अंदर ऑलरेडी देखने को मिलती हैं, बट फिर भी एप्पल है तो एक तरीके से मेन स्ट्रीम जो है बन जाएगा। एक चीज़ मुझे इसकी विजेट्स की अच्छी नहीं लगती, इसके विजेट्स के नीचे जो है विजेट का नाम लिखा हुआ आता है, मतलब कि ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट है। मुझे पता है कि किस चीज़ का विजेट है, बीच में नाम देना जो है काफ़ी ज़्यादा अनक्लीन लुक जो है वो देता है। हो सकता है कि पब्लिक के अंदर जब आना चालू होएगा अपडेट तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। सेप्टेम्बर तक ये सारे डिवाइसेज में रिसीव जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो भाई। अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट करके बताना और यही थी मेरी वीडियो इसके फीचर्स के ऊपर एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो भाई। लाइक करने वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दिस इज मिस्टर चानी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।